हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं द लॉयल पिन के चैप्टर 50 पार्ट 1। चैप्टर 49 को मैंने स्किप कर दिया है क्योंकि उसमें कुछ इंटरेस्टिंग नहीं था। उसमें बस यही बताया गया है कि कैसे प्रिक और एनलफिथ के बड़े भाई ने मिलकर खुनकुआ का असली चेहरा सबके सामने लाए थे। अब आगे लेडी पिन के विवाह की जगह पर ही तलाक होने की अफवाह तेजी से फैल गई। कहानी इतनी विकृत है कि यहाँ तक कहा गया कि जब लेडी पिन को पता चला कि लड़की प्रेग्नेंट रहे बच्चे की पिता खुनकुआ के कारण उसका दिल टूट गया, वह लड़की बेहोश हो गई। लेकिन सच्चाई बिल्कुल उल्टी है। हालांकि इससे उसे बेहद शर्मिंदगी महसूस हुई, लेकिन लेडी पिन यह एक्सेप्ट करने से खुद को नहीं रोक सकी कि जैसे ही सावित्री नाम की लड़की सामने आई, उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। खुनकुआ के असली चेहरा सामने आने से लेडी पिन को काफी खुशी महसूस हुई। खुनकुआ घुटने टेक कर रोया और हाथ उठाकर बेशर्मी से राजकुमारी पद्मिका से माफी मांग रहा था, लेकिन राजकुमारी पद्मिका ने बेरहमी से माफी देने से मना कर दिया। जहां तक लेडी पिन की बात है, वह खुशी से हंस पड़ी। उस दिन जो हुआ उसके बाद लेडी पिन ने यह भी सुना कि खुनकुआ छोटे राजकुमार के जरिए महल में घुसने की कोशिश कर रहा था। इसका कारण यह था कि उसे अभी भी लेडी पिन से माफी मांगने का मौका नहीं मिला था, लेकिन लेडी पिन खुश थी कि उसे खुनकुआ जैसे पर्सन से छुटकारा मिल गया था। लेकिन लेडी पिन को कोई पछतावा नहीं था। लेकिन अगर कोई सचमुच इस हादसे से बेहद आहत और पछतावा महसूस कर रही थी, तो वो थी राजकुमारी पद्मिका, क्योंकि राजकुमारी पद्मिका ने अपनी इकलौती भतीजी का बेरहमी से दिल दुखाया। हालांकि वे पहले कभी भी लेडी पिन पर कुछ भी करने का दबाव नहीं डालना चाहती थी, क्योंकि वह जानती थी कि लेडी पिन का दिल बेहद कमजोर था। हालांकि लेडी पिन अभी भी एनलफिथ से प्यार करती है। इस घटना के बाद से राजकुमारी पद्मिका ने 3 दिन और 3 रातों तक किसी को नहीं देखा था, लेकिन फिर भी वह ठीक हो गई और अपने आप को शांत करने की कोशिश कर रही थी। वह कभी कभी इन्फेक्शन के लिए TNDN की रसोई में जाती थी, फिर क्वीन एलिसा के साथ दोपहर का खाना खाती थी। क्वीन एलिसा भी राजकुमारी पद्मिका से पास्ट के बारे में कोई बात नहीं करती है। इस समय लेडी पिन सच में बीमार है, लेकिन इसकी वजह यह है कि वह हमेशा किसी के लौटने का वेट करती रहती है, भले ही यह साल बीत गया हो। लेकिन अभी तक लेडी पिन ने एनलफिथ की परछाई भी नहीं देखी थी। शायद ऐसा इसलिए था क्योंकि लेडी पिन ने अनजाने में इस मामले में बहुत ज्यादा उम्मीदें लगा रखी थी, यह सोचकर कि जब एनलफिथ को पता चलेगा कि लेडी पिन की शादी टूट गई है, तो एनिल इससे काफी खुश हो जाएगी और लेडी पिन के पास वापिस आ जाएगी और उससे सब प्रॉब्लम सॉल्व कर लेगी। लेडी पिन सोचती है कि उन दिनों एनलफिथ खुनून के साथ थी, जिसके मन में एनलफिथ के लिए फीलिंग्स थी। एनलफिथ अपना मन बदल लेगी और लेडी पिन के पास वापस आ जाएगी। यह विचार लेडी पिन के मन में घूमता रहा, जिससे लेडी पिन के लिए शांत होना मुश्किल हो गया। नतीजा यह निकला कि लेडी पिन बीमार हो गई। लेडी पिन प्रिक से पूछती है, क्या राजकुमारी अभी तक हुआ हिंद से नहीं आई? लेडी पिन जो बेड पर पड़ी थी, प्रिक से बार बार पूछती रही। प्रिक जो दलिए का कटोरा लेकर उसके बेडरूम में एंट्री कर रही थी, प्रिक ने भी न जाने ये कितनी बार पूछा। प्रिक कहती है, अभी नहीं खुनपिन। प्रिक इतना कहकर लेडी पिन के बेड के पास अपने नी पर बैठ गई और चिंतित होकर लेडी पिन के चेहरे को देखने लगी। लेडी पिन का चेहरा लाल था क्योंकि उसे तेज बुखार था। प्रिक बताती है कि उसने सुना था कि बड़े प्रिंस ने क्या कहा। वास्तव में एनलफिथ को कुछ दिन में आ जाना चाहिए था, लेकिन हुआ हिंद में अभी तूफान आया था। बारिश इतनी तेज थी कि सड़कें भी बंद हो गई, इसलिए एनलफिथ नहीं आ सकी। प्रिक कहती है, प्रिक ने सुना था शायद राजकुमारी आज रात तक वापस आ जाएगी। लेडी पिन कहती है, शायद यह एक बहाना है। लेडी पिन ने उदास होकर अपनी आंखें बंद कर ली। तभी प्रिक कहती है, लेडी पिन प्लीज थोड़ा दलिया खा लो और फिर अपनी दवाई ले लो। प्रिक ने हुआ हिंद के टॉपिक को चेंज करते हुए कहा, लेकिन लेडी पिन ने अपनी आंखें बंद कर ली। जिद करके लेडी पिन ने अपना सिर ना में हिलाया, फिर अपनी पीठ प्रिक की तरफ करके लेट गई, मानो जैसे वह प्रिक को वहां से जाने के लिए कह रही हो। प्रिक ने यह देखकर एक आह भरी। कई दिनों से बीमार होने के कारण लेडी पिन बैठ नहीं पाती थी। लेडी पिन खाना नहीं खाना चाहती थी और दवाई खाने से तो साफ मना कर देती थी, जिससे आंटी पद्मिका और प्रिक को समझ नहीं आ रहा था कि वे क्या करें। खासकर राजकुमारी पद्मिका, जब उन्होंने अपनी भतीजी को इस हालत में देखा तो वे खुद को दोषी ठहराती हैं। लेडी पिन कहती है, प्रिक बाहर जाओ, मैं सोना चाहती हूँ। लेडी पिन की आवाज़ शांत थी, बिना किसी भावना के। प्रिक कहती है, लेडी पिन प्लीज कुछ खा लो,
आप नहीं खाएंगी तो ठीक कैसे होंगी। लेडी बिन कहती है, इसे यहीं छोड़ दो, अगर मुझे भूख लगेगी तो मैं बाद में खा लूंगी। लेडी बिन कहती है, प्रिक चले जाओ, मुझे फोर्स मत करो तुम्हें यहाँ से भगाने के लिए। लेडी बिन की बात सुनके प्रिक ने हाँ कहकर अपनी आईब्रो फ्रोंट की। वह बिना इच्छा के दरवाजे के बाहर चली गई, लेकिन जैसे ही वह गेट के बाहर निकली उसने तुरंत एक स्लिम गर्ल को देखा जो चुपचाप अपनी बाहें फैलाई खड़ी थी। तभी फेनिलाफिट ने अपनी एक उंगली प्रिक के लिप्स पर रख दी ताकि वह आवाज ना कर सके कि प्रिक खुश है, इसलिए प्रिक ने अपनी आवाज धीमी कर ली। प्रिक कहती है, राजकुमारी आप बड़े प्रिंस के कहने से पहले ही लौट आई, मैंने पहले सोचा था कि आप शाम तक नहीं लौटेंगी। फेनिलाफिट कहती है, मैं रात तक वेट नहीं कर सकती थी प्रिक। फेनिलाफिट ने एक आह भरी। फेनिलाफिट कहती है, मेरा दिल आग की तरह गर्म है। प्रिक कहती है, अच्छा हुआ आप आ गई, लेडी पिन बहुत जिद्दी है। फेनिलाफिट कहती है, इतनी जिद्दी? फेनिलाफिट ने कन्फ्यूजन से अपनी आंखें चौड़ी कर ली। इधर राजकुमारी पद्मिका भी हैरान थी क्योंकि पिछले कुछ दिनों से लेडी पिन ना कुछ खा रही थी और ना ही दवा ले रही थी। फेनिलाफिट कहती है, ओह तो क्या प्रिक ने खाना पहले ही तैयार कर लिया? प्रिक कहती है, ये तैयार है राजकुमारी। फेनिलाफिट कहती है, इसे कमरे में रख दो प्रिक। फेनिलाफिट की बात सुनकर प्रिक कहती है, लेकिन लेडी पिन ने कहा है कि उन्हें भूख नहीं लगी है तो वह बाद में खा लेगी। प्रिक बताती है, लेडी पिन खाना नहीं खाती और दवा लेने से भी मना कर देती है। फेनिलाफिट पूछती है, लेडी पिन बीमार क्यों है? प्रिक बताती है कि लेडी पिन राजकुमारी के लौटने का वेट कर रही थी, वह बार बार पूछती रहती है। प्रिक बस इतना ही जवाब दे सकी, आप नहीं जानती राजकुमारी। फेनिलाफिट प्रिक से पूछती है, क्या तुम्हें यकीन है प्रिक? फेनिलाफिट ने प्रिक को यह कहते हुए सुना तो उसकी आंखें चमक उठी। प्रिक कहती है, मुझे पूरा यकीन है, लेडी पिन इसलिए बीमार है क्योंकि लेडी पिन कई दिनों तक आपके लौटने का वेट करती रहती है। और फिर जब लेडी पिन ने सुना कि फेनिलाफिट खुनोन के साथ है तो वह और भी ज्यादा जेलस हो गई। प्रिक की बातें सुनकर फेनिलाफिट कहती है, मुझे इसके लिए खेद है प्रिक। फेनिलाफिट पूछती है, प्रिक लेडी पिन अब कैसी है? प्रिक बताती है, लेडी पिन को बहुत तेज फीवर है, वह ठीक नहीं है, हाल ही में लेडी पिन ने प्रिक को कमरे से बाहर निकाल दिया। फेनिलाफिट कहती है, तो प्रिक जाओ गर्म पानी और एक टॉवल लेकर आओ, मैं लेडी पिन को खाना खिलाऊंगी। प्रिक कहती है, जी राजकुमारी। प्रिक ने आज्ञा का पालन किया और फिर तेजी से नीचे चली गई। प्रिक के जाने के बाद फेनिलाफिट अभी भी गेट पर ही खड़ी है। हालांकि जो कुछ भी हुआ वह राजकुमारी की भविष्यवाणी के अनुसार था, यदि शादी के फंक्शन में सावित्री नहीं आती तो बड़ा प्रिंस सब कुछ बता देता कि खुनक्वा की पहली एक पत्नी है। सौभाग्य से सब कुछ वैसा ही हुआ जैसा उन्होंने प्लान किया था। इसके बाद फेनिलाफिट ने आह भरी, फिर गेट खोला और अंदर चली गई, फिर गेट धीरे से बंद कर लिया। लेडी पिन का बेडरूम आज भी उतना ही हॉट और हवादार है जितना 7 साल पहले था। चारों तरफ खिड़कियों पर लगे सफेद पर्दे और एक बड़ा बेड जिस पर लेडी पिन लेटी हुई है। फेनिलाफिट ने लेडी पिन की स्टडी टेबल के साइड वाली चेयर को बेड के साइड में रख दी, फिर चुपचाप उस चेयर पर बैठ गई और लेडी पिन को देखने लगी। तभी फेनिलाफिट पूछती है, लेडी पिन क्या आप थोड़ा दलिया खाना चाहेंगी? खाना खाने के बाद फिर दवा ले लेना। ये आवाज सुनकर जो क्लियरली प्रिक की नहीं थी, लेडी पिन एक बिल्ली के बच्चे की तरह वरीड हो गई। वह यह कैसे भूल सकती है, इस स्वीट वॉइस की मालिक वही पर्सन है जिससे मिलने की आशा लेडी पिन दिन रात करती है। लेकिन लेडी पिन अभी भी पीठ फेनिलाफिट की तरफ करके लेटी हुई है। फेनिलाफिट ने लेडी पिन की बैग को देखा, उसकी आंखों में पेन दिख रहा था। हालांकि अनिल को भी लेडी पिन की याद आती थी, लेकिन जो कुछ भी हुआ सही हुआ। लेकिन फेनिलाफिट का दिल अभी भी थोड़ा नाराज था। फेनिलाफिट कहती है, मुझे पता है लेडी पिन अभी तक सोई नहीं है, तो क्या मैं लेडी पिन को अपनी तरफ करवट लेने के लिए कह सकती हूँ लेडी पिन? फेनिलाफिट कहती है, लगता है लेडी पिन सच में फूल है। जब लेडी पिन ने यह सुना तो वह अपना इरादा भूल गई और तेजी से पीछे मुड़ी और अचानक अनिल के चेहरे पर एक नोटी स्माइल देखी जिसका वह दिन रात वेट कर रही थी। इससे लेडी पिन अपने आप को रोक नहीं सकी और कहा, अगर अनिल जाना चाहती है तो जाए, उसे कौन रोक सकता है। इतना कहकर लेडी पिन ने अपनी आईब्रो फ्रोंट कर ली और अपना चेहरा दूसरी तरफ मोड़ लिया। लेडी पिन की बात सुनकर फेनिलाफिट कहती है, मैं कैसे जा सकती हूँ? वह थोड़ा वरीड थी और अपना हाथ उठाकर लेडी पिन के फोरहेड को टच किया और कहा, लेडी पिन को काफी तेज फीवर है। तभी लेडी पिन थोड़ा नाराज होकर कहती है, मुझे अकेला छोड़ दो। उसकी आंखें हिरनी के छोटे बच्चे की तरह थी जिससे लेडी पिन ने अनिल की आंखों में सीधा देखा। उसकी आंखों में उदासी भरी हुई थी। लेडी पिन अनिल से वैसे ही बात कर रही थी
जैसे अनिल पिछले कुछ दिनों में लेडी पिन से कर रही थी। अनिला फिर कहती है, लेडी पिन, क्या तुम अनिल से इस तरह बात करना बंद कर सकती हो? इस समय अनिल का हाथ लेडी पिन के फोरहेड से उसके चिक्स पर था। उसके बाद अनिल का हाथ धीरे धीरे लेडी पिन के शोल्डर पर आ गया और लास्ट में लेडी पिन का हाथ टाइटली पकड़ लिया। अनिला फिर कहती है, दरअसल अनिल जैसा पर्सन हार नहीं मान सकती, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। अनिला फिर कहती है, अनिल को भी गुस्सा होने का हक है। इस समय अनिला फिर की आवाज़ में काफ़ी दर्द था जिससे लेडी पिन को दुख हुआ। अनिला फिर कहती है, लेडी पिन ये मत भूलो, मैं भी इंसान हूँ, मुझे भी दर्द होता है। मैं जब भी तुम्हें देखती तो मेरा दिल टूट जाता और ऐसा लगता जैसे मैं मरने वाली हूँ। इतना सुनकर लेडी पिन कहती है, इसलिए तो अनिल ने मुझे वहां से भगाया था, है ना? इतना कहकर लेडी पिन के आंसू बहने लगे। तभी अनिला फिर ने अपना रुमाल लिया और धीरे से लेडी पिन के आंसू पोछे। अनिला फिर कहती है, उस दिन मैंने तुम्हें जाने के लिए कहा क्योंकि मैं बहुत हर्ट थी और मैं टूट गई थी। लेडी पिन कहती है, हर्ट? क्या ऐसा इसलिए था क्योंकि मैंने अनिल को हर्ट किया था? अनिला फिर कहती है, मैं बहुत दुखी थी। इतना कहकर अनिला फिर ने लेडी पिन के बालों को रब किया और उसे उसके कानों के पीछे कर दिया। अनिला फिर कहती है, मैं काफी दुखी थी क्योंकि लेडी पिन ने कहा था कि खुनखा से शादी करने के बाद भी लेडी पिन अनिल को हर दिन देखना चाहती है। लेकिन लेडी पिन ने इस बारे में क्यों नहीं सोचा? अगर अनिल हर दिन लेडी पिन को खुनखा के साथ देखती तो उसे कैसा फील होता? मुझे दुख नहीं होता। लेडी पिन कहती है, मैं बहुत सेल्फिश हो रही हूँ। ये कहते हुए लेडी पिन ने धीरे से अनिल का हाथ टाइटली पकड़ लिया और उसे अपनी चेस्ट पर रखा। लेडी पिन पूछती है, क्या अनिल मुझे माफ कर सकती है? लेडी पिन को सुनकर अनिला फिर कहती है, अनिल ने लेडी पिन को बहुत पहले ही माफ कर दिया है। अनिला फिर कहती है, लेकिन मैं अभी भी थोड़ा दुखी फील करती हूँ, मुझे नहीं पता कि मैं क्या करूँ। तभी लेडी पिन अनिल का हाथ पकड़ते हुए कहती है, तो चलो अभी से शुरू करें जो अनिल को अच्छा फील कराएगा। इतना कहकर लेडी पिन ने अनिल का हाथ अपने चेहरे पर रब किया। अनिला फिर स्माइल के साथ कहती है, तो आपको इसकी भरपाई करनी होगी, मुआवजे के तौर पर आपको अनिल को हर बात में शामिल करना होगा। अनिला फिर की बात सुनकर लेडी पिन कहती है, इसकी भरपाई के लिए मैं आपसे ऐसा कोई रास्ता नहीं चुनूंगी जो हमें अलग करे। अनिला फिर भी स्माइल के साथ लेडी पिन से पूछती है, क्या ये सच है? और अनिल की आंखों में एक उम्मीद दिखी। लेडी पिन भी कहती है, बेहद सच। लेडी पिन ने इसे एक्सेप्ट किया और अनिल का हाथ लिया, उस पर एक इमोशनल किस किया। तभी अनिला फिर कहती है, तो चलो पहले कुछ दलिया खा लो। इतना कहकर अनिला फिर मुस्कुराई। अनिला फिर कहती है, लेडी पिन प्लीज अनिल का हाथ छोड़ो, लेडी पिन को दलिया खिलाने दो। अनिला फिर की ये बातें सुनकर लेडी पिन ने अपने लिप्स फोल्ड किए और अनिल का हाथ छोड़ने के लिए रेडी हो गई। इसके बाद अनिला फिर ने लेडी पिन को दलिया खिलाना शुरू किया, लेकिन अनिला फिर को खिलाने के लिए अभी भी थोड़ी मेहनत करनी पड़ रही है। लेडी पिन पूछती है, अनिल मेरे एक क्वेश्चन का आंसर दो, मैं एक चम्मच दलिया खाऊंगी। लेडी पिन ने अनिल से बात करना शुरू किया। अनिला फिर भी कहती है, ठीक है पूछो। साथ ही अनिला फिर ने एक चम्मच दलिया लिया, उसे ठंडा करने के लिए फूंक मारती रही। लेडी पिन पूछती है, क्या हुआ हिन सी बीच वाइट है? लेडी पिन ने धीमी आवाज में पूछा, जिससे अनिला फिर को थोड़ी हैरानी हुई क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि लेडी पिन का सवाल इस तरह पूछा जाएगा। वाइट नहीं, अनिला फिर ने थोड़ा स्माइल करते हुए जवाब दिया, लेकिन बहुत क्लियर। ये सुनकर लेडी पिन गुस्से से अनिल कहती है, वो थोड़ा मुंह बनाती है, लेकिन अनिला फिर बस मुस्कुराई और ऐसे दिखावा किया जैसे उसे कुछ पता ही नहीं। अनिला फिर कहती है, लेडी पिन अपनी बात से पीछे मत हटो, मैंने तुमसे कहा था अगर अनिल एक क्वेश्चन का आंसर देती है तो लेडी पिन आज्ञाकारी बनकर एक चम्मच दलिया खाएगी, है ना? इतना कहकर अनिला फिर ने एक चम्मच दलिया लेडी पिन के मुंह के पास लाई और उसे खिलाया, मानो जैसे वह किसी छोटे बच्चे को खिला रही हो। इधर लेडी पिन भी बिना इच्छा के दलिया खा सकती थी। तो दोस्तों, ये था द लॉयल पिन का चैप्टर 50 पार्ट 1। मिलते हैं पार्ट 2 में। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और लेडी पिन अनिला फिर से क्या क्या क्वेश्चन पूछने वाली है जानेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तो बस यही थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बी हैप्पी एंड कीप स्माइलिंग।